नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज अभी देखिए, थोड़ी देर पहले एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है आप सभी लोगों के लिए। जो लोग एसएससी सीजीएल 2018 के एग्जाम का वेट कर रहे थे, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा, वैकेंसी कितनी है, एज क्या होने वाला है, किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम कब से कब तक लिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो पाए। हम इसमें सारा कुछ आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और हम इसके लिए तैयारी भी करवाएंगे। आपको सिलेबस भी सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। चलिए सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 5/5/2018 को आने वाला था और ये आ चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम का जो फॉर्म अप्लाई होगा वो कब से कब तक होगा। इस फॉर्म को आप 5/5/2018 से लेकर के 4/6/2018 तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पूरे एक महीने का टाइम है। आपको अप्लाई जरूर कीजिएगा और इसका जो एग्जामिनेशन फीस है वो भी हम बताएंगे, 100 रुपये है। और कुछ लोगों के लिए फ्री में भी ये फॉर्म अप्लाई कराया जाएगा, वो भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है टीयर वन एग्जाम के डेट के बारे में। टीयर वन का एग्जाम जो है वो आपका होगा 25/7 से लेकर के 20/8 के बीच में। ये हमें लगता है काफ़ी पहले, क्योंकि अभी 2017 का जो प्रोसेस है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी बीच में काफ़ी लेट वो चल रहा है। तो ये देखते कि इसमें डेट जो फाइनल एग्जाम होगा टीयर वन का वो कब होगा, ये तो देखने की बात है। लेकिन आपको नोटिफिकेशन में अगर आप देखें तो ये 5/7/2018 को। इसके बाद हम टीयर टू के एग्जाम डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है क्लियरली 27/1/2018 से लेकर के 27/11/2018 से लेकर के 30/11/2018 तक आप टीयर टू एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि देंगे। यानी कि जो लोग टीयर वन में क्वालिफाई करेंगे वही टीयर टू देंगे और उसका एग्जाम 27 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में होगा। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट ये बाद में बताया जाएगा। इसके बाद हम सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2018 है क्या, ये जो वैकेंसी निकलती है वो ग्रुप बी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए निकलती है, गजटेड और नॉन गजटेड दोनों के लिए। इसमें पेमेंट कितना होगा, तो ये पे रिवाज यानी कि 6th पे के हिसाब से ही इन्होंने यहाँ पर दिया है और 6th पे के हिसाब से 9300 से लेकर के 34800 जो पे बैंड है, पे बैंड 2, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ये जो दो पोस्ट है ये 4800 ग्रेड पे वाले निकली है और ये जो है वो गजटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। ये पोस्ट कौन कौन से, यहाँ पर आप देख लीजिए, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी और इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट है जो कि असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के हैं। और वैकेंसी अभी क्लियरली नहीं बताई गई है कि इसमें कितनी वैकेंसी इन्होंने ये देंगे, ये बाद में अपडेट कराई जाएगी वेबसाइट पर जब ये क्लियरली बिल्कुल अच्छे ढंग से 1-2 दिन में आपको इसकी वैकेंसी भी पता चल जाएगी। इसमें एक एज लिमिट की बात करें तो 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, वो एज लिमिट कब से लिया जाएगा ये हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेंट्रल सीएसएस की है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की निकली है जो कि ग्रुप बी 4600 ग्रेड पे में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में निकली है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में निकली है, फिर एएफएस की बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है, फिर अदर डिपार्टमेंट के लिए भी निकली है। इसके अलावा एक चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो पहले ग्रुप सी के अंदर आता था, अब इसे ग्रुप बी के अंदर कर दिया गया है। तो आप आसानी से इसे भी अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग इसे फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फॉर्मेस्ट ऑफिसर, सारे लोगों की वैकेंसी निकली। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखिए 2800 ग्रेड पे वाले काफ़ी अच्छी वैकेंसी, लगभग 30 पोस्ट के लिए ये एग्जाम लिया जाता है। इसके बाद इसके बारे में हम बात करें कि जो लोग डिसेबिलिटी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसे अपना जो भी डिसेबिलिटी जो क्राइटेरिया है आप वहाँ यहाँ से चेक कर लीजिए। एज लिमिट की बात करें, बहुत सारे जो पोस्ट है वो 18 से लेकर के 27 साल एज लिमिट दी गई है, लेकिन 18 साल में ग्रेजुएट होता कौन है। और बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट है जिसमें 30 साल तक दी गई है एज लिमिट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रुप बी में कौन कौन से पोस्ट हुए और ग्रुप सी में कौन कौन से पोस्ट हुए। ग्रुप बी में जो 4200 और 4400 ग्रेड पे वाला जो वैकेंसी आती है, जो पोस्ट होते हैं, उन्हें ग्रुप बी में रखा गया और बाकी 18 से लेकर के 2800 ग्रेड पे तक का ग्रुप सी में रखा गया है। इसके अलावा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कौन कौन लोग आपको अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन लोग अप्लाई
करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल ही डिटेल से। बात करें तो जो इंडियन सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये एक सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकता है। ये तो आपने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को रहा नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट कब से कब तक की जाएगी। एज की जो गणना है वो 1 अगस्त को की जाएगी, यानी कि आप 1 अगस्त को जो पोस्ट है 20 से 27 साल के लिए, उसमें आपको 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए, उसमें 30 साल मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल ही डिटेल से दी गई है कि एज लिमिट क्या से क्या होगी। ये जनरल वालों के लिए, बाकी ओबीसी एसटीएससी लोगों को जो भी रिलैक्सेशन एज में मिलता है वो मिलेगा ही, क्योंकि एसटीएससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और बाकी लोगों को जो भी अपने कास्ट के अकॉर्डिंग मिलता है वो तो मिलेगा ही। आगे हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए, सारा कुछ तो आप सभी को पता ही है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि इसमें क्या, अब हमें एक ही चीज़ देखनी है कि इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या क्या होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो भी आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है कि ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए या फिर अकाउंट या फिर फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए। हम अलग से डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। स्टैटिकल ऑफिसर के भी यही बात है, बाकी लोगों के लिए जो सिंपल सा ग्रेजुएट होता है वही होगा। यानी कि ये जो वैकेंसी ग्रेजुएशन पर निकलती है सभी लोगों को ये बात पता ही है। आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी, आपको 100 रुपये देनी पड़ेगी, इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा आपको अगर आप एसटीएससी हैं या फिर एक सर्विस मैन है तो आपको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट लड़कियों को भी कोई फ़ी नहीं लगेगा, यानी कि वुमेंस कैंडिडेट फ्री अप्लाई करेंगे। अप्लाई कब से तक करना है, 5 मई से लेकर के 4 जून तक 5 बजे शाम तक आप इसे अप्लाई कर देंगे। अब हम बात कर रहे थे आपका सेंटर कहाँ जाएगा। अगर आप बिहार यूपी के हैं तो आप देख लीजिए आपका सेंटर का जो ऑप्शन देंगे वो इन्हीं में से कोई एक देंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा, और ये सभी रीजन्स का अलग अलग दिया गया है। कुछ रीजन में तो बहुत ज़्यादा सेंटर है लेकिन बिहार यूपी में काफ़ी कम ऑप्शन लोगों को दिए गए हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे स्कीम ऑफ एग्जाम क्या क्या रहने वाला है। इसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 यानी कि 4 पार्ट में एग्जाम होगा। अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं टीयर 2 में जाएंगे, टीयर 2 तो टीयर 3 में जाएंगे, इस तरह से। और तीनों जो टीयर हैं इनका मार्क्स ऐड होगा। टीयर 1 का सिलेबस आप सभी को पता ही होगा, जनरल इंटेलिजेंस, जीके, इसके बाद एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश, यानी कि चारों सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 50-50 मार्क्स के आएंगे। और ये जो है वो 60 मिनट का एग्जाम होगा। ये पिछले साल भी सेम पैटर्न इस बार भी रखा गया। टीयर 2 के बारे में बात करें तो मैथ्स और इंग्लिश तो सभी को देना ही है। मैथ्स आता है 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का, इंग्लिश जो आता है वो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, इसके अलावा स्टैटिक्स जो आता है वो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, फिर जनरल स्टडीज। ये दोनों जो पेपर हैं नंबर 3 और नंबर 4, ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जो AOO और स्टैटिक्स का एग्ज़ाम देंगे, और इनके लिए टीयर 2 के लिए 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता है इस सब्जेक्ट का। निगेटिव मार्किंग जो 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पेन और पेपर, जो डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मैक्सिमम मार्क्स का होगा और 60 मिनट आपको टाइम दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस दिया गया, आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सिलेबस आसानी से देख लीजिए। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीजनिंग का सिलेबस, रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, सारा कुछ है। फिर टीयर 2 का भी इसी तरह से सिलेबस है। मैं सिलेबस की अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय।